नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए नेवी एमआर स्पेशल 10 क्वेश्चन इन 5 मिनट, जिसे रैपिड फायर क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं। और इसका जो है सातवां पार्ट है। इसमें मैं बेसिकली वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं। इसमें जो 300 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं आपके एमआर के एग्जाम में, वही प्रश्न मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जनरल अवेयरनेस की ये पार्ट है एक तरीके से, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसमें। तो शुरू करेंगे हम वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इसका जो पहला 6 पार्ट है नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप देख लेना, उसके बाद ये सातवां पार्ट देखना आप लोग। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेवी एमआर की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जैसे पीडीएफ नोट्स और बाकी किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईडी आपकी स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, आज हम 61 नंबर से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, यानी कि उसे पाला। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुत्ता। कुत्ता यानी डॉग, द फर्स्ट एनिमल विच मेड द प्राइमेस्ट एनिमल बाई प्रीमो डायल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुत्ता। कुत्ते को आदि मानव ने सर्वप्रथम अपना जो है पशु बनाया, पालतू पशु। नेक्स्ट है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, व्हाट टाइम डिड ह्यूमंस स्टार्ट यूजिंग फायर। मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल, मेसोलोथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, कॉपर स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक पीरियड। इस पीरियड में ही मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू किया, यानी कि नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, विच मेटल वॉज द फर्स्ट टू यूज बाई ह्यूमेन। लोहा, आयरन, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर और पीतल, ब्रास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पीतल, ब्रास। मानव ने जो है सर्वप्रथम ब्रास यानी पीतल का प्रयोग किया। ब्रास मेटल वॉज द फर्स्ट टू यूज बाई ह्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली, वेयर डिड द फेमस पशुपति स्टैम्प मीट। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और रंगपुर। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, यहाँ से ही मिली थी जो पशुपति की प्रसिद्ध मुहर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, वेयर इज द ह्यूज फूड ग्रेन्स फंड इन इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, राखीगढ़ी में और सुतकोंडर में। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में, जो बहुत ही बड़ा अन्नानागार था, यानी ह्यूज फूड ग्रेन जो था वो मोहनजोदड़ो में मिला था, प्राप्त हुआ था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न, 66, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी दी बिगनिंग ऑफ आइडोलेटरी। सिंधु सभ्यता, इंडस पीरियड, वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड, मौर्य काल, मौर्यन पीरियड और गुप्त काल, गुप्त पीरियड। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुप्त काल। गुप्त पीरियड जो है उसी टाइम से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी दी बिगनिंग ऑफ आइडोलेटरी इन गुप्त पीरियड। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, वेयर दी 24th तीर्थांकर ऑफ जैनिज्म, पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ और भद्रबाहु। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर। भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24th यानी 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में सब तीर्थकर कहलाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, हु वॉज दी आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कौटिल्य, मेगास्थिनिज, प्लिपनी और विशाख दत्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा रची गई है, यानी कि उनकी रचना बोला जाता है इसको, उन्होंने ही इसको रचा है, अर्थशास्त्र को बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया, हु बिल्ट दी स्तूपा ऑफ सांची। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी अशोका। सांची में जो स्तूप है उसको सांची स्तूप के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? विच सीक्रेट रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त और समुद्र गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्र गुप्त। समुद्र गुप्त जो थे उनको भारत का नेपोलियन बोला जाता था, कि जो समुद्र गुप्त है वो भारत के नेपोलियन के नाम से विख्यात है। उनको समुद्र गुप्त की जगह पे भारत का नेपोलियन भी बोल दिया जाता है, बहुत जगहों पे इसका जिक्र किया गया है अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को उठा करके। तो बस ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आती है, मुझे जहाँ तक पता है। और अगर सच में आती हो तो इस वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक करना है सबसे पहले, तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इंस्टाग्राम पे @abhishek.singh798 पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर t.me/studywithabhishek पे कर सकते हो आप जा करके फॉलो या फिर ज्वाइन। तो इन दोनों जगह पर जाकर कर सकते हो, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।